हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, हम लोग वापसी कर चुके हैं बोर्ड पे, और मिसेलेनियस एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसको हम लोग बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मिसेलेनियस है वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। MCQs में 20 क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब MCQs में 20 क्वेश्चन और जो क्वेश्चन वैसे वाले हैं नॉन MCQ वो 39 है। सो इट मीन्स कि हम लोगों को 3 लेक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, राइट? कम से कम, या यूँ बोल दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 3 से ज़्यादा लेक्चर तो नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर श्योर, हो सकता है 2 लेक्चर में हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ 20 MCQ और 5 नॉन MCQ। ठीक है, तो वो 5 कराने में हाँ उतना टाइम तो चला ही जाएगा। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा 6 से लेके 20 या 21 तक, राइट? सो ऑब्वियसली उतना टाइम तो जाना ही है। खैर, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं यार कि फटाफट से चीज़ें हो जाएं, क्योंकि अगर अभी से ही मिसिलेनियस करा दूंगा तो हो जाएगा। अगर ऐसा सोचूंगा कि यार अभी के लिए इतना ही करा देता हूँ, बाद में करा दूंगा मिसिलेनियस, तो वो बाद में फिर जल्दी आने वाला नहीं है। और आपको भी पता है कि यार अगर अब भी नहीं कराया तो फिर वो लगभग कब भी नहीं हो पाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? छोड़ो, समझने की ज़रूरत भी नहीं है। फिलहाल इतना समझ लो कि आज कर रहे हैं हम लोग मिसिलेनियस, और मिसिलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यूज़ पता करो साइन थीटा बराबर -1/2 की। तो -1/2 की हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यूज़ पता करना है यहाँ पे। सो साइन थीटा -1/2 कब होता है? π/6 पर। तो ये -sin π/6 हो गया। अच्छा, अब साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो थर्ड में होता है, एक तो फोर्थ में होता है। तो चारों क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था हमारा? पहले क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट का π-θ, तीसरे का π+θ और चौथे का 2π-θ। तो बेसिकली साइन थीटा नेगेटिव कब कब होता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो इट मीन्स हमें π+θ और 2π-θ वाला फार्मूला लगाना है। सो बाय अलाइड एंगल फार्मूला। अब देखो, मिसिलेनियस मैं आपको तेजी से कराऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज में आप लोगों ने ये सब बेसिक चीज़ों को सीख रखा है। तो मिसिलेनियस में मुझे नहीं लगता है कि हल्के जाने का कोई कारण है, तो मैं तेजी से जा रहा हूँ। ठीक है, तो नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा बराबर साइन, इसकी जगह आ जाएगा π+θ, और साइन थीटा बराबर साइन, इसकी जगह आ जाएगा 2π-θ। ठीक है, सॉल्व कर लो तो एक थीटा आ जाएगा 7π/6 और एक थीटा आ जाएगा 11π/6। क्योंकि ये MCQ है तो मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन रहना तो चाहिए 7π/6, 11π, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आंसर्स भी लिखते चलते, पहले का है बी। ठीक है, दूसरा निकालते हैं। दूसरे में बोला है प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉट थीटा बराबर √3। मैंने बोला कॉट थीटा दिया हो तो हमेशा इसको टेन में चेंज कर लो, सेक दिया है तो उसको कॉस में चेंज कर लो, कॉसेक दिया है तो उसको साइन में चेंज कर लो, राइट? ज़्यादा एडवांस मत बनो। सो टेन थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा 1/√3। अब टेन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो पहले में होता है और एक तो तीसरे में होता है। तो इसका मतलब एक फार्मूला तो थीटा हो जाएगा, मतलब एक थीटा तो हो जाएगा π/6, क्योंकि tan 30 होता है ना 1/√3। 1/√3 tan कब होता है? 30 पर, मतलब π/6 पर। तो एक फार्मूला तो डायरेक्टली थीटा हो गया, मतलब एक तो आंसर आ गया डायरेक्टली π/6, और दूसरा आंसर आएगा π+θ, मतलब दूसरा आ जाएगा π+π/6। तो ये आ गया आपका 7π/6। ठीक है, तो π/6 और 7π/6, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे हो गया आपका करेक्ट, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec(x) बराबर √2। अब देखो, जनरल सॉल्यूशन में आप लोगों को सारे रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भूल गए हो। तो जनरल सॉल्यूशन से यहाँ पे मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। देखो, जनरल सॉल्यूशन क्या था हमारा? जनरल सॉल्यूशन में type 1 था हमारा कि भैया साइन थीटा बराबर 0 हो, तो या फिर कॉस थीटा बराबर 0 हो, या फिर टेन थीटा बराबर 0 हो। तो साइन थीटा बराबर 0 रहने पे थीटा जो है वो nπ हो जाता है, कॉस थीटा बराबर 0 रहने पे थीटा 2n+1π/2 हो जाता है, और टेन थीटा बराबर 0 रहने पर थीटा nπ हो जाता है। और यहाँ पे n किसको बिलोंग करता है? तीनों के लिए n बिलोंग करता है इंटीजर को। ठीक है, type 2 देखते हैं। type 2 में क्या आएगा? type 2 में सपोज साइन थीटा किसी साइन अल्फा के बराबर है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाती है nπ±1n(α), और अगर कॉस थीटा बराबर किसी कॉस अल्फा के है तो यहाँ पे थीटा आ जाता है 2nπ±α। ठीक है, और टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो एन थीटा बराबर nπ+α आता है सिंपली। ठीक है, अच्छा, और type 3 क्या था? type 3 ये था कि भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो,
या फिर 10² थीटा बराबर 10² अल्फा हो, तो हर एक केस में आंसर जो है वो सेम आता है। क्या आता है? हर एक केस में आंसर आता है n π ± α। फिर एक टाइप फोर भी था। टाइप फोर में हम लोग कोएफिशिएंट से डिवाइड करके टाइप टू के जैसा कुछ ना कुछ बनाया करते थे, ठीक है, तो साइन थीटा के टर्म में या तो कॉस थीटा के टर्म में। तो फिलहाल वो टाइप तो मैं नहीं बोलता कि कोई टाइप है, क्योंकि उसमें बस एक मैनुअल मेथड आपको याद रखना है कि कॉस थीटा का कोएफिशिएंट और साइन थीटा के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट से डिवाइड करना है तीनों टर्म को, ठीक है। तो फिलहाल ये तीनों हमारे टाइप्स थे, तो आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा। अच्छा चलो, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जनरल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6, ठीक है, बाकी जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3, 4, 6 इसके सामने सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को सामने सामने दिख जाए कि भैया कौन सा फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है sec x = √2। तो मैंने बोला सेक वेक में सॉल्व मत करो, कॉस एक्स बनाओगे तो ये आ जाएगा 1/√2। अब कॉस 1/√2 कब होता है? π/4 पर, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी ये 2nπ ± α। क्या है यहाँ पे? अल्फा है π/4, तो 2nπ ± π/4 n बिलोंग्स टू z, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड का है ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन भी है जनरल सॉल्यूशन पर, इसमें बोला है cos p थीटा अगर cos q थीटा के बराबर है तो बताओ क्या होगा। तो सिंपल है यार, अब की बार थीटा की जगह p थीटा है और अल्फा की जगह q थीटा है, तो फॉर्मूला क्या है? थीटा बराबर 2nπ ± α। ओके, अच्छा, तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, यहाँ पे क्या कर दिया है, अल्फा क्या है? अल्फा तो q थीटा है ना। अब यहाँ पे क्या किया, इस p को नीचे भेज दिया है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ ± q θ/p। बट थीटा तो आया ही नहीं। देखो ये ऐसे होगा, क्या करना होगा हमें, इस प्लस माइनस क्यू थीटा को यहाँ लाना पड़ेगा। सो प्लस माइनस क्यू थीटा जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस क्यू थीटा। हाँ, ऐसा भी होता है, प्लस माइनस था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। ये पहली बार देख रहे होगे, बट अब से ध्यान रखना, वेक्टर्स में भी ये चीज़ आएगी। तो थीटा यहाँ से कॉमन लोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2nπ/p-q, ठीक है। बट आपकी टेक्स्ट बुक में प्लस माइनस क्यू है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक वाले ज़्यादा एडवांस नहीं है, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन है, समझ गए ना कैसा किया? थीटा की जगह पी थीटा है, अल्फा की जगह क्यू थीटा है, तो हमने जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये आया, इसको हम लोग यहाँ लेकर आए, तो ऐसा हो गया इज इक्वल्स टू 2nπ था, हमें थीटा बेसिकली निकालना है एट दी एंड, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया यहाँ पे हम लोगों का फोर्थ का भी। फिफ्थ को छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि इसमें पोलार कार्टिशियन है, वो मैं इसके बाद कराता हूँ। छठा क्वेश्चन अगेन हम लोगों का जनरल सॉल्यूशन पर है, और उसमें √3 cos x - sin x = 1 है, ठीक है, √3 cos x - sin x = 1 है। तो जरा देख लो इसको, √3 cos x - sin x = 1। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को साइन का कोएफिशिएंट और कॉस का कोएफिशिएंट के स्क्वायर के रूट से डिवाइड करना है, मतलब बेसिकली हमें डिवाइड करना है √3² + 1² से, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमें डिवाइड करना है 3+1 से, मतलब √4 से, मतलब 2 से। तो 2 से अगर हर एक टर्म को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा √3/2 cos x - 1/2 sin x = 1/2। तो ये हो जाएगा cos √3/2 कब होता है? cos 30 पर, मतलब ये हो जाएगा cos π/6 cos x। और sin 1/2 कब होता है? 30 पर, मतलब sin π/6 sin x और इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये देखो, cos a cos b माइनस sin a sin b फार्मूला होता है cos a प्लस b का, मतलब ये आ गया cos π/6 + x इज इक्वल्स टू cos 1/2 कब होता है? π/3 पर। तो ये देखो, cos थीटा बराबर cos अल्फा वाला फार्मूला यहाँ पे अब आप लोग लगा सकते हो। सो थीटा बराबर 2nπ ± α होता है, तो ये बेसिकली आपका थीटा है और ये अल्फा है। सो थीटा बराबर 2nπ ± α, ये हो गया आपका। अब यहाँ से आपको x चाहिए, तो सिंपल है यार, x = π/6 वहाँ भेज दो। सो 2nπ ± π/3 - π/6, ऑप्शन नंबर सी, 2nπ ± π/3 - π/6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर सी। टेक्स्ट बुक लेकर बैठे रहो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक नहीं है तुम्हारे पास, बारहवीं पढ़ रहे हो ना, अच्छा मजे के लिए लेक्चर देख रहे हो, चलो फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों के जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस हो गए, ये याद रहना चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 ये सब करते हैं, ठीक है। ओके, तो कोशिश करेंगे यार कि चीज़ें जल्दी जल्दी हों, लेकिन कितना भी कोशिश कर लें उतनी जल्दी तो नहीं होंगी चीज़ें, राइट, कोई बात नहीं, देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स 2, π/4 है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर
2, π/4 है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है r, θ, मतलब आपका r जो है वो 2 है और थीटा पाई बाय 4 है। तो x बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था r cos θ और y बराबर मैंने आपको बताया था r sin θ। r है 2, ये हो गया cos π/4, r है 2, ये हो गया sin π/4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MCQs में आपको जरूर दिखेगा, या तो सेमेस्टर में, या तो प्रीलियम में, या तो बोर्ड में, या तो आपके मतलब ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, 2 × sin π/4, ये पर्टिकुलर वैल्यू वाला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 2 × π/4 वाला, मतलब कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। सो x बराबर आ गया 2 × cos π/4 इज 1/√2 और y बराबर 2 × sin π/4 इज 1/√2। x बराबर आ गया √2, y बराबर आ गया √2, तो √2, √2 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी, तो पांचवें का आंसर है डी। आइए सातवां, आठवां, नौवां, दसवां भी कर लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है, अगर एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, तो साइड्स का जो रेशियो है वो बताओ। तो एंगल ए 45 डिग्री है और एंगल बी 60 डिग्री है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ट्रायंगल है, ये 45 है, ये 60 है, तो एंगल सी बताओ कितना हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा 75 डिग्री, है ना। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं बाय साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि भैया ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ए क्या है तुम्हारा? ए साइन ए क्या हो जाएगा? साइन 45, एंड साइन 45 इज 1/√2। बी क्या है तुम्हारा? बी साइन बी क्या हो जाएगा? साइन 60, साइन 60 इज √3/2, तो ये हो गया √3/2। और ये हो गया सी अपॉन साइन 75, और साइन 75 होता है √3 + 1/2√2। अब जिनको नहीं पता मैं ये वैल्यू कैसे लिख रहा हूँ उनको मैं बता दूँ, मुझे याद नहीं है, मैंने इस √3 + 1/2√2 को निकालने का तरीका आप लोगों को एक्सरसाइज में सिखाया है, ठीक है, जब एक्सरसाइज कर रहे थे सेम टू सेम क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो इसका मेथड क्या होता है? इसका मेथड होता है सबसे पहले आप निकाल लो sin 15। साइन 15 कैसे निकाल सकते? साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से। ए को मान लो 45 और बी को मान लो 30, तो साइन 45 माइनस 30 करके ए माइनस बी का आप जानते हो, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। इस फॉर्मूले से सबसे पहले साइन 15 आ गया, अब साइन 15 आ गया तो आप निकाल लो साइन 75 कैसे? साइन 90 माइनस 15 से, तो साइन 90 कॉस 15 माइनस कॉस 90 साइन 15, ठीक है। आप बोलोगे कॉस 15 कैसे आ गया साइन 15 से, तो साइन 15 जो आया था, साइन 15 बेसिकली होता है √3 − 1/2√2, ठीक है, तो ये आया था आपका साइन 15, तो 1 − cos²θ इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो उस फॉर्मूले से आप कॉस थीटा निकाल लो तो कॉस 15 आ जाएगा। तो बेसिकली ये सब 11th में आपको सिखाया जाता है, बट क्योंकि आप वो हो जिसका 11th बर्बाद है तो दिक्कत है फिर इसीलिए, ठीक है। फिलहाल कुछ नहीं जम रहा है तो याद कर लो, साइन 15 होता है √3 − 1/2√2, साइन 75 होता है √3 + 1/2√2, ठीक है। और बाकी आप लोग कॉस तो निकाल ही सकते हो आइडेंटिटी से, और साइन कॉस मालूम है तो टैन भी निकाल लोगे साइन अपॉन कॉस से, राइट। पूरे इक्वेशन में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 2√2 से मल्टीप्लाई होगा √2√2 कटेगा बचेगा 2, यहाँ पे 2√2 से मल्टीप्लाई होगा 2√2 कटेगा बचेगा √2, ठीक है, तो ये √3 हो जाएगा √6, और यहाँ पर 2√2 से होगा मल्टीप्लाई तो ये बचेगा √3 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन में दिया है 2 √2 √3 + 1, 2 √2 √3 + 1, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज गिवन लाइक दिट, जबकि आंसर आपका आएगा 2 √6 √3 + 1, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। तो 2 √6 देना चाहिए था बेसिकली उसे, लेकिन उसने पता नहीं ये क्या दे रखा है, ठीक है, बट फिलहाल पीछे देख लेते हैं आंसर क्या दे रखा है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर 7th का ए दे रखा है गाइस, सॉरी हाँ ए दे रखा है, मतलब 2 √2 √3 + 1, तो उन्होंने बेसिकली इस √6 को √2 लिखा हुआ है, सो नेवर माइंड आप लोग √3 लिखना, ठीक है, देख लेना यार अगर मेरे से कोई गलती हुई है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 75 √3 + 1/2√2, हाँ इन्होंने ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ियाँ की है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का सातवें का, और ऑप्शन नंबर ए में टेक्स्ट बुक में चेंज कर देना, वो 2 √6 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कोसाइन रूल है, साइन रूल है, इनका एप्लीकेशन आने वाला है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और नेपियर्स एनालॉगी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। साइन रूल था ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर के, ठीक है,
इज इक्वल्स टू के। जब भी आपको रेशियो ऑफ साइड पता करना रहेगा तो सिर्फ इतना लिखना, जब भी आप लोगों को कुछ प्रूफ वगैरह आएगा तो पूरा लिखना। तो ए की वैल्यू हो जाएगी के साइन ए, बी की वैल्यू हो जाएगी के साइन बी, सी की वैल्यू हो जाएगी के साइन सी। ओके, कोसाइन रूल था ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 2bc, और कॉस में है वो एंगल जो LHS में है, ठीक है। वैसे ही बी स्क्वायर आ गया, कौन कौन नहीं आया, ए और सी, तो ए और सी यहाँ पे स्क्वायर में आएंगे माइनस ए और सी है ना, तो इसी का मल्टीप्लाई, और कॉस के अंदर वो एंगल जो LHS में है। ऐसे ही सी स्क्वायर आ गया, तो क्या क्या नहीं आया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ये दोनों मतलब 2ab, और कॉस कौन सा एंगल, LHS वाला। और ऐसे ही होता है प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, ए आ गया, कौन कौन नहीं आया, बी और सी, तो बी और सी का एंगल भी आगे आएगा और उनकी साइड भी आएगी, तो ये हो गया कॉस बी कॉस सी, सी के अपोजिट कौन बी, बी के अपोजिट कौन सी, सो बी बराबर आ गया, तो कौन कौन नहीं आया, ए और सी, तो यहाँ पे कॉस ए कॉस सी कहाँ आता है, सी आएगा ए के साथ, ए आएगा सी के साथ, सी बराबर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, राइट, समझ ही गए होगे यार अब। और नेपियर्स एनालॉजी होता है टेन ए माइनस बी, ठीक है, बाय टू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाय टू, राइट। तो ये चीज़ें हैं यार, ये सब चीज़ें मतलब मुझे नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा है तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को दे रखा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो एंगल बी बताओ। तो देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग कौन से रूल से ले आ सकते हैं, जब भी स्क्वायर दिख जाए तो समझ जाना कोसाइन रूल ही लगना है। तो देखो ये वाला पार्ट अगर मैं उठाऊं, ठीक है, और इसमें मैं 2ac cos b को LHS में भेज दूं, सो देयरफॉर देखो 2ac cos b गया LHS में, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 2ac cos b लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2ac cos b और इज इक्वल्स टू है ac, ac से ac कट गया तो cos b आ गया 1/2, तो देयरफॉर b का एंगल क्या आ गया पाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे 8वें का ऑप्शन नंबर b हो जाएगा करेक्ट, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ ट्राइंगल देयर आर, इफ इन अ ट्राइंगल द आर इन ए पी एंड बी इज टू सी इज इक्वल्स टू रूट 3 इज टू रूट 2, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू, भाई क्या क्वेश्चन लिखते हैं टेक्स्ट बुक वाले, द साइड्स आर इन ए पी, या फिर क्या बोला है, इफ इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम भी नहीं दिया है, उसके बाद द आर इन ए पी, क्या सेंस समझू मैं इसका, द साइड्स होगा शायद, बी इज टू सी की वैल्यू है रूट 3 इज टू 2, ठीक है, और एंगल ए आपको पता करना है, और इसमें बोला है द साइड्स आर इन ए पी, ऐसा कुछ बोला है शायद, ठीक है। साइड्स अगर ए पी में है तो इसका मतलब जो 2b की वैल्यू है वो a प्लस सी के इक्वल होगी, जब भी आपको ए पी मिल जाए तो वहाँ पे सीधा अरिथमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लगाना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या b की वैल्यू है रूट 3, तो 2√3, a क्या है पता नहीं, c की वैल्यू है रूट 2, ना यार मुझे क्वेश्चन देखने दो, मुझे क्वेश्चन देखने दो एक बार, पता नहीं क्या है ये क्वेश्चन में, ये मतलब टेक्स्ट बुक वाले इतने गच्च काम कैसे करते हैं यार। 9वें का खैर ऑप्शन आया है, सॉरी 8वें का आया है बी, अच्छा 9वां हम लोगों ने नहीं किया, पहले 9वां कर लेते हैं फिर 10वें का देखते हैं क्या सीन शॉट है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए, ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए। अब देखो ए सी कॉस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी कॉस बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू, ए सी कॉस बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू, और बी सी कॉस ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। ये हो गया नीचे 2, ऊपर देखो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, ना 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 ये कहाँ ख़त्म होगा, ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2b स्क्वायर, और नीचे है 2, सब उड़ गया तो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 9वें का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब 10वें क्वेश्चन में इन्होंने क्या करतूत किया वो मैं देख लेता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली पूरा है ये है कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC द एंगल्स आर इन AP, ठीक है, मतलब बेसिकली ट्रायंगल ABC है जिसके एंगल्स जो हैं वो क्या है, एंगल्स आर इन AP, तो एंगल्स अगर AP में है तो इसका मतलब 2 टाइम्स एंगल B जो है वो एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल होगा, राइट। बट इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमें एक भी एंगल मालूम ही नहीं है,
अगर कुछ मालूम होता तब ना इसका सेंस बनता। तो यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि भैया मान लो एंगल ए जो है वो है ए माइनस डी, एंगल बी जो है वो है एंगल ए, और एंगल सी जो है वो है ए प्लस डी। समझ गए ना मेथड क्या था अज्यूम करने का, तीन टर्म्स को जो ए पी में होती है, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी। ठीक है, तो बीस टू सी है रूट थ्री टू रूट टू, बीस टू सी है रूट थ्री टू रूट टू। तो क्या कर सकते हैं, देखो हाँ तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री आएगा। ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री आएगी, माइनस डी प्लस डी ख़त्म। ठीक है, और ए प्लस ए मतलब 3a इज इक्वल्स टू आ गया 180, सो a बराबर आ गया 60 डिग्री। अब अगर a 60 डिग्री है तो d तो हमें पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कम से कम एंगल बी तो पता चल गया, एंगल बी है 60 डिग्री। ठीक है, सो एंगल बी के साथ हम लोग साइन रूल लगा देते हैं एंगल सी का, नहीं समझे, हमें एंगल बी मालूम पड़ गया, हमें बी इज टू सी मालूम है, तो अगर बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी लगा दूँ तो कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो हमें मालूम है ना। तो बी कितना है, बी है हमारा रूट थ्री, साइन बी कितना है, साइन 60, सी कितना है, सी है हमारा रूट टू, और साइन सी क्या है, साइन सी, तो साइन सी है। ठीक है, तो देखो रूट थ्री अपॉन साइन 60 होता है रूट थ्री अपॉन टू, और ये रूट टू अपॉन साइन सी, रूट थ्री से रूट थ्री ख़त्म, तो साइन सी आ गया रूट टू अपॉन टू, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट टू, तो सी बराबर आ गया 45 डिग्री। तो सी आ गया 45 डिग्री, बी आ गया 60 डिग्री, तो एंगल ए बताओ कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। अरे भाई इनका फेवरेट है क्या ये, कौन सा 60 45 75। तो एंगल ए पूछा था ना, क्या पूछा था, एंगल ए इज इक्वल टू, तो एंगल ए 75 डिग्री आ गया, तो 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इनका लगता है फेवरेट है 60 45 75। तो आप लोग साइन 75 की वैल्यू जरूर से याद कर लेना, रूट थ्री माइनस 1/2 रूट टू, और साइन 15 में इसी का कॉन्जिगेट मतलब रूट थ्री माइनस 1/2 रूट टू। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये सब तो बड़े चिंदी हैं यार, कहाँ तक चिंदी है, आने वाले सारे ही क्वेश्चन चिंदी है, यस सारे क्वेश्चन चिंदी है 20 तक। ठीक है, तो खटाखट उड़ा देते हैं अगले 10 क्वेश्चन को भी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है हमें कि भाई कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, जो 7π/6 है उसकी 7π/6 जो है वो बेसिकली पाई से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है क्या है, 0 से π, उससे ज़्यादा हो रहा है 7π/6। तो हमें सबसे पहले इसे प्रिंसिपल ब्रांच में लाना पड़ेगा, तो 7π/6 को हमें पाई प्लस या पाई माइनस इसके टर्म्स में लिखना होगा। तो आप लोगों को मैंने एक तरीका बताया था, क्या बताया था मैंने, एक तरीका मैंने ये बताया था कि भाई 7π/6 को अगर पाई प्लस या पाई माइनस या 2π- के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग कैसे समझोगे कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो ऐसे समझोगे कि न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर से 1 ज़्यादा है और 2 कम है, मतलब डबल से कम है बट सिंगल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे पाई प्लस होगा। अब पाई प्लस क्या आएगा ये भी निकालने का मैंने तरीका बताया था, पाई प्लस आपको नहीं पता ना क्या आएगा, तो मान लो एक्स आएगा और इज इक्वल्स टू 7π/6 है, तो एक्स की वैल्यू π/6 आ जाएगी। तो बेसिकली ये पाई प्लस π/6 लिखा हुआ है कॉस, ठीक है, और यहाँ पे है कॉस इनवर्स। तो कॉस पाई प्लस π/6 क्या होता है, कॉस पाई प्लस π/6 होता है माइनस कॉस π/6, राइट। अब कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो क्या होता है, फिर ये जो माइनस होता है, ये जब माइनस रिमूव होता है तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये आ जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस कट गया तो ये आ गया पाई माइनस π/6, सो बेसिकली वैल्यू आ गई 5π/6। तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है, तो ये आ गया आपका 11वें का ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला जानते हो ना, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जब होता है तो उसका आंसर पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आता है, राइट। ये देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी यार, प्रॉपर्टी 1 या प्रॉपर्टी 2, तो ये प्रॉपर्टी 2 थी ना यार, शायद प्रॉपर्टी 1 या प्रॉपर्टी 2, मैं पेज नंबर बता देता हूँ वहाँ पे आप लोग रिफर कर लेना। यहाँ पे तो नहीं दिया है, हाँ देखो पेज नंबर 99 पे आप लोग ऊपर देख सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो
पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। इसका दूसरा तरीका ये था कि भैया कॉस सेवन पाई बाई सिक्स की वैल्यू निकाल लो, कॉस सेवन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होगी माइनस रूट थ्री बाई टू। अब माइनस रूट थ्री बाई टू है तो कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू कब होता है वो निकाल लो। देखो नहीं समझ पा रहे हो, कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है माइनस रूट थ्री बाई टू। अब ये निकाल लो कि कॉस जो है वो माइनस रूट थ्री बाई टू कब होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एक तो चौथे क्वाड्रेंट में होता है। बट हमारी रेंज में क्या है, हमारी रेंज में है सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि जीरो से पाई है। तो जीरो से पाई के बीच में रूट थ्री बाई टू माइनस में कब होगा, फाइव पाई बाई सिक्स पर ऑब्वियसली, क्योंकि आपको फॉर्मूला है ना पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये फाइव पाई बाई सिक्स ही आएगा एट दी एंड। ये है राइट मेथड और ये है शॉर्टकट मेथड। तो ग्यारहवें का बेसिकली ए ही बी ही आना है यहाँ पे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अच्छा दसवां था ये, अरे दो दो इलेवन है भाई, क्या शिट शॉर्ट चल रहा है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन दो दो बार इन्होंने लिख दिया। मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों किया है, मैं बारहवां ही लिखूंगा। सो बारहवां क्वेश्चन है टैन कॉट ऑफ टैन इनवर्स टू एक्स प्लस कॉट इनवर्स टू एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप लोग जानते हो यार कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है, वैसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है, वैसे ही टैन इनवर्स टू एक्स प्लस कॉट इनवर्स टू एक्स भी पाई बाय टू होगा। तो बेसिकली अंदर हो गया पाई बाय टू और कॉट पाई बाय टू की वैल्यू मेरे ख्याल से जीरो होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बारहवें का। तेरहवां सॉल्व करते हैं, तेरहवें में बोला है साइन इनवर्स फोर बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स ट्वेल्व बाय थर्टीन। अब इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था एक को x मान लो दूसरे को y मान लो और फॉर्मूला लगा दो साइन x प्लस वाई का, तुम्हारे पास आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें बोला क्या है, हमें बोला है साइन इनवर्स 4 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 बटा 13 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अल्फा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये अल्फा पता करना है कि भैया अल्फा क्या है। तो मैंने बोला था इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो लेट साइन इनवर्स एक्स सॉरी साइन इनवर्स 4 बाय 5 बराबर एक्स, तो देयर फोर साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 बाय 5। अब साइन एक्स 4 बाय 5 है तो यहीं पर कॉस एक्स भी निकाल लो, वो आ जाएगा 3 बाय 5। एमसीक्यू है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप कैसे आइडेंटिटी लगा भगा के करोगे, ठीक है। यहाँ पर कॉस इनवर्स 12 बटा 13 जो है वो वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब कॉस वाई की वैल्यू क्या हो गई 12 बटा 13 हो गई, ठीक है ओके। अच्छा साइन वाई क्या आ जाएगा, फिर साइन वाई आ जाएगा 5 बटा 13, ठीक है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट आप फॉर्मूला लगा के करोगे कैसे, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर वाई बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई वाला। अच्छा मैंने फिर बोला था साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे बीच में माइनस होता तो साइन एक्स माइनस वाई वाला लगाते। फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स क्या है तुम्हारा 4 बाय 5 और कॉस वाई क्या है तुम्हारा 12 बटा 13, कॉस एक्स क्या है तुम्हारा 3 बटा 5 और साइन वाई क्या है 5 बटा 13। तो बेसिकली ये आ गया 48 बटा 65 और ये आ गया 15 बटा 65, ठीक है। और ये साइन एक्स प्लस वाई, अब साइन को वहाँ भेज दो तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 63 बटा 65, 48 प्लस 15 63 होता है। अब एक्स क्या था तुम्हारा, एक्स था तुम्हारा साइन इनवर्स 4 बाय 5, तो साइन इनवर्स 4 बाय 5। और वाई क्या था तुम्हारा, वाई था तुम्हारा कॉस इनवर्स 12 बटा 13 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 63 बटा 65। तो मेन इक्वेशन से कंपेयर करो इसको, तो मेन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो LHS इक्वल RHS इक्वल, तो अल्फा का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली 63/65, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 63/65 है, तो आप ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, तो 13 का है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी चक्कर में मैंने 12वां क्वेश्चन कराया ही नहीं गाइस, मतलब जो टेक्स्ट बुक में 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा देख लो, इन्होंने 11 दो बार लिखा है ना, तो मैं भी 11 ही लिखूंगा अब। तो 11वें का क्या आया था, 11वें का आया था ऑप्शन नंबर ए, तो 12वें का आया था हमारा कुछ नहीं, और 13वां हमने सॉल्व कर लिया, 13वें का आया है ऑप्शन ए। तो 12वां अभी तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू, ये छाप लो, छाप लिए, चलो आगे बढ़ो। तो 12वां क्वेश्चन हमारा है, बेसिकली टेक्स्ट बुक में 11वां क्वेश्चन दो बार लिख दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 दो बार लिख दिया है। बात अलग है कि दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, सेम नहीं है, लेकिन नंबर दो दो बार लिख दिया है, तो बेसिकली वही 11 वरना आप लोग कैसा भी MCQ अगर मार्क कर रहे होगे टेक्स्ट बुक में तो आप लोग गलती कर दोगे, फिर 11वें का भी 12वें का ये मार दोगे और वो 11वें का, मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो इसीलिए जैसा टेक्स्ट बुक में वैसा ही मैं लिख रहा हूँ। 12वां दिया हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाय टू,
साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाय टू। तो लेट x बराबर साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाय टू, तो साइन x की वैल्यू हो गई माइनस रूट थ्री बाय टू। अब साइन नेगेटिव कब कब होता है? तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। बट साइन के लिए चौथे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस थीटा, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू ही होती है। तो साइन x बराबर आ गया माइनस साइन रूट थ्री बाय टू कब होता है? पाई बाय थ्री पर। अब बेसिकली चौथे क्वाड्रेंट का साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस थीटा। तो साइन साइन डायरेक्टली कट गया तो x इक्वल टू आ गया माइनस पाई बाय थ्री, बात ही खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर आपको पता है ना कि इसकी ब्रांच क्या है, इसकी ब्रांच का रेंज क्या है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और बी जो है, ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो तो ऑलरेडी पाई से ज़्यादा है। पाई से ज़्यादा तो होता ही नहीं है, तो पाई बाय टू से ज़्यादा नहीं होता है इसका जो रेंज है वो। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर ए अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो 120 डिग्री है, और 120 डिग्री भी इसकी रेंज में नहीं होता है। तो इसका मतलब इसकी रेंज में सिर्फ डी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको रेंज पता है तो भी आप लोगों का काम हो सकता है। चलो, 13वां क्वेश्चन हो गया, 14वां क्वेश्चन देख लो। 14वें क्वेश्चन में बोला है tan inverse of 2x plus tan inverse 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4, देन फाइंड x। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जेई में एक्सपेक्टेड रहते हैं, जेई में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। tan inverse a plus tan inverse b का फॉर्मूला होता है tan inverse a plus b upon 1 minus a into b इज इक्वल टू है पाई बाय 4। अब इस tan inverse को वहां भेज दो तो therefore ये आ जाएगा 5x upon 1 minus 6x square, और ये आ गया tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 क्या होता है? 1 होता है। तो 5x is equals to 1 into 1 minus 6x square, तो ये हो गया 5x is equals to 1 minus 6x square, तो इसका मतलब ये हो गया 6x square plus 5x minus 1 बराबर 0। अब फैक्टर्स बना लो, फैक्टर बनाओगे तो ये आ जाएगा 6x square plus 3x, plus 6x minus x minus 1 बराबर 0। मतलब बेसिकली आपको वो दो नंबर चुनने थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, जो कि 6 है, और माइनस करने पे 5 आए, तो 6 माइनस 1 5। यहाँ से देखो 6x ले लो कॉमन तो ये आ गया x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 ले लो कॉमन ये आ गया x प्लस 1, और ये बराबर 0। तो x की एक वैल्यू आ गई 1/6, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो माइनस 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा हम लोगों का, क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि भैया एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए और एक्स वाई का मल्टीप्लाई लेस देन 1 होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला ये कहता है। और एक पाई प्लस टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला है, वो भी यही कहता है कि भैया एक्स वाई तो पॉजिटिव होना कंपलसरी है, एक्स वाई नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1/6 करेक्ट होगा सिर्फ। तो 14वें का आएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन अच्छा है कन्फ्यूज करने के लिए, आपके दो आंसर आएंगे और किसी ऑप्शन में अगर माइनस 1 और 1/6 दिख गया तो आप तो एकदम मतलब कॉन्फिडेंस में वही मार दोगे। लेकिन याद रखना, कंडीशन कहती है कि एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जो कंडीशन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा इन्हें। ओके, तो इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस 1 एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अब एक्स वाई मतलब यहाँ पे जो है वो भी और यहाँ पे जो है वो भी। ओके, वाई मतलब ये 3x बेसिकली। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है 2 tan inverse 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू बताओ। तो बेसिकली ये भी हम लोगों का उसी मेथड से सॉल्व होगा, नेक्स्ट वाला भी उसी मेथड से सॉल्व होगा, तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो उसी मेथड से सॉल्व हो रहे हैं, तो कर लेते हैं अगर उसी मेथड से हो रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, 15वां और 16वां। 15वां क्वेश्चन है 2 tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/7। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 tan inverse 1/3 को तुम लिख सकते हो tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/3, लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। और ये हो गया tan inverse 1/7, प्लस करो tan inverse x प्लस tan inverse y आ जाएगा tan inverse x प्लस y मतलब 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू y मतलब 1/3 इंटू 1/3 प्लस ये हो गया tan inverse 1/7। तो ये आ गया tan inverse 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/6 प्लस tan inverse 1/7। ठीक है, बेसिकली इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है उसको इसके साथ दोबारा फार्मूला लगाना है। तो यह आ रहा है tan inverse 2/3 अपॉन 5/6 प्लस tan inverse 1/7। समझ रहे हो ना, ये 2/3 था और 1 माइनस 1/6 की वैल्यू 5/6 आती है। तो बेसिकली ये आ गया आप लोगों का tan inverse 2/3 × 6/5, तो ये हो गया प्लस tan inverse 1/7। ठीक है, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया tan inverse 4/5। सो बेसिकली tan inverse 4/5
प्लस टेन इनवर्स 1/7 में अगेन हमें ये फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगाओ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, तो 4/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 1 4, 5 7 35। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो बेसिकली देखो ये आ गया टेन इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 28, 5 1 5 और 28 प्लस 5 33 आ जाएगा, और नीचे 5 7 35 आएगा। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, 35 माइनस 4 मतलब 31 अपॉन 35। ठीक है, तो ये 35 ये 35 कट गया, तो ये आ जाएगा 33/31 जो कि ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो कुछ तो हम लोगों ने कहीं पर तो कुछ तो ग्लिच किया है हम लोगों ने। क्या ग्लिच किया है भाई, ये 4/5 था, हाँ तो 4/5 ही है, 4 7 28, 5 1 5 33, 4 1 4, 5 7 35, वो भी ठीक है, ये भी सही, वो भी सही, मैं ही गलत, देखना पड़ेगा बाबा। अब 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/3 1 अपॉन 1/9 आएगा गाइस, ये 1/9 आएगा, तो बेसिकली ये 8/9 आ जाएगा। सी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, ये हो गया 9, ये हो गया 8, तो बेसिकली ये 2 4 8 और ये 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 और 2 4 8, तो ये आ गया 6/4 आ गया ना, मतलब 3/2 आ गया, तो ये आ गया 3/2। सो 3/2 में हम 1/7 जोड़ रहे हैं और 1 माइनस आ रहा है 3/2 इंटू 1/7, 3/14। ओके, सो रिजॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है देखो, 3/2 प्लस 1/7 आ जाएगा 23 अपॉन 14, और 14 माइनस 3 आ जाएगा 11/14। मैंने फिर से कुछ गलती कर दी क्या यार, 7 3 21 23, एक मिनट गाइस, देखते हैं, ये 8/9 आया, तो ये 9/8 हुआ, तो 3 3 9 हुआ और नीचे 2 4 8 हुआ, तो ये गायब हो गया ना बच्चे, तो ये बचा है 3/4, सो ये बेसिकली 3/4 है। ठीक है, सो ये 3/4 है, सो ये 3/4 है, सो 3/4 इंटू 1/7 आ जाएगा 3 अपॉन 28। ये आई एम रियली सॉरी फॉर इट, देखो ये 3 7 21 और ये 4 1 4, तो बेसिकली ऊपर आ गया 25 और नीचे 7 4 28 आ गया, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 25/28 आ जाएगा, तो सब कुछ कैंसिल ही होना था एटलीस्ट एट लास्ट एंड में। तो ये हो गया 10 इनवर्स ऑफ 1, तो 10 इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, आप सब जानते हो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 15वें का। ठीक है, तो छोटा मोटा यहाँ पे ग्लिच हो गया, 3 3 9 नहीं, 3 3 9 होता है 6 नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी इसी फार्मूले पर बेस्ड है, बट क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस कराता हूँ तो ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सोचते हैं क्या है। यह है टेन ऑफ 2 tan inverse 1/5 माइनस π/4। ओके ओके, इज इक्वल्स टू जो भी है वो निकालना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग टेन को बाहर ही रहने, तो अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं, तो अंदर ही अंदर हम लोग 10 inverse 1/5 प्लस 10 inverse of 1/5 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और माइनस में आ रहा है π/4, तो ये हो गया टेन ऑफ 10 inverse a प्लस 10 inverse b का फॉर्मूला हो जाएगा 10 inverse a plus b मतलब 1/5 प्लस 1/5 और नीचे 1 minus a इंटू बी मतलब 1/5 इंटू 1/5 माइनस π/4, तो ये हो गया टेन ऑफ 10 inverse 2/5 और नीचे हो गया 5 5 25 25 minus 1 24/25 माइनस π/4। ठीक है, तो देखो 5 5 25 हो गया और 2 12 24 हो गया, तो बेसिकली ये जब उल्टा हो जाएगा तो 10 inverse 5/12 बचेगा, तो ये हो गया टेन ऑफ 10 inverse 5/12 माइनस π/4। अब क्या करना है बताओ, क्योंकि बेसिकली ये तो ऐसा है। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस है ना, तो बेसिकली यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है टेन ए माइनस बी का, ए आपका 10 inverse 5/12 है और बी आपका π/4 है, तो फार्मूला लगाओ टेन ए माइनस बी का। टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी, मतलब टेन ए क्या है, ए है 10 inverse 5/12 माइनस टेन बी मतलब 10π/4 अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a मतलब 10 इंटू 10 inverse 5/12 इंटू 10b मतलब 10π/4, ये हो गया 5/12, ये 10π/4 1 और नीचे 1 प्लस ये हो गया 10 से 10 इनवर्स कटा तो 5/12। ठीक है, ये 10 से 10 इनवर्स कटा था बेसिकली, तो यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा -7/12 और ये आ जाएगा 17/12, ये इससे ख़त्म, तो -7/17 इसका आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो सोलवे का भी है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देख लो इसको,
एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट गलती हुई थी 10 के फॉर्मूले में, तो मैं देख लेता हूँ क्या वही है। वैसे तो पीछे गलत दिया रहता है कितना सारा, तो ये भी शायद गलत दिया हुआ है, क्योंकि सोलवे का इन्होंने आंसर दे रखा है ए। मैं चेक करता हूँ। ओके, तो -7/17 ही सही है। पीछे इन लोगों ने पता नहीं क्या कर रखा है यार, उन्होंने 16 को 17 बना रखा है या क्या कर रखा है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। आप भी टेक्स्ट बुक के ऊपर ट्रस्ट मत करो, जो मैं यहाँ पे प्रोसेस करा रहा हूँ वो करो, ठीक है। तो करने आंसर यही सही है। 17वां क्वेश्चन बोला है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की ब्रांच की वैल्यू क्या होती है बताओ? सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई तक हो सकती है, और पाई बाय 2 नहीं हो सकती, क्योंकि पाई बाय 2 पर नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो 0 से पाई माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 17वें का हो जाएगा बी, ठीक है। चलो डी सॉल्व करते हैं। अब देखो डी क्वेश्चन जो है ना वो जानदार शानदार मज़ेदार है, ठीक है। कैसे? उसमें देखो एक ट्रिक है। वैसे तो 18वां क्वेश्चन जो है आप लोगों का सिंपल ही है, मतलब बोर्ड में तो सिंपल ही दिया है, बट ऐसा कभी कभी होता है यार कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो वो चीज़ पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होती। मतलब कॉस के अंदर क्या दिया है? कॉस के अंदर दिया है 10 inverse 1/3 + 10 inverse 1/2, ये चीज़ दी हुई है ना। तो देखो एक्चुअली जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 इनवर्स के टर्म में कुछ तो आएगा, और बोर्ड में ऐसा शॉर्ट है कि मतलब बोर्ड में वो पाई बाय 4 हो जाएगा 10 इनवर्स 1 आके, तो आप लोग सिंपली 1/√2 इसका फाइनल आंसर लिख पाओगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसा होता है कि 10 इनवर्स की टर्म में कुछ एलिमिनेट नहीं होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सपोज ये फाइनल आंसर आ गया कॉस ऑफ 10 इनवर्स 3/4, तो इसकी वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू तुम कैसे निकालोगे? तो इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, ज़रा ध्यान से देखो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो छोड़ देना, क्योंकि बोर्ड में ऐसा नहीं आएगा। ओके, तरीका ये होता है कि भैया 10 इनवर्स 3/4 क्या है बेसिकली? 10 इनवर्स 3/4 इज़ नथिंग बट एंगल। ये क्या लिखा हुआ है हम लोगों का? ये एक एंगल लिखा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं ये हम लोगों का थीटा है, तो बेसिकली हमें फाइंड करना है कॉस थीटा कितना होगा, यही हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें थीटा फाइंड करना होगा। तो थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर है 10 इनवर्स 3/4, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, और अगर टेन थीटा 3/4 है तो क्या हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बाय विच फार्मूला? पहले 1 + sec² थीटा, sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा, से sec² थीटा निकाल लो, जो कि आएगा 5/4। चेक कर लो, sec² थीटा आएगा 1 + tan² थीटा, जो कि आएगा 5/4, और अगर sec थीटा 5/4 है तो cos थीटा क्या आ जाएगा? 4/5। तो बेसिकली इस पूरे टर्म का जो आंसर है वो लास्ट में आना है 4/5। जरा ध्यान से देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया? इस पूरे को हमने थीटा मान लिया, तो cos थीटा की वैल्यू हमें पता करनी थी। अगर ये पूरा थीटा है तो थीटा बराबर 10 inverse 3/4, इसका मतलब 10 थीटा ये है, तो 10 थीटा से cos थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं समझा? कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो दोबारा। साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 की तो वैल्यू तुम्हें पता, भी नाचने लगोगे कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्या मतलब कॉस इनवर्स 1/2 भी तुम्हें पता है? आप नहीं पता है ना? ऐसे क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, इसको मान लिया हम लोगों ने थीटा, तो बेसिकली हमें फाइंड करना है साइन थीटा कितना होगा, ठीक है। और थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर है कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। बेसिकली इनवर्स जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? एंगल ही तो होता है वो। साइन इनवर्स 1 क्या है? पाई बाय 2, मतलब वो क्या है? एक एंगल ही तो है। तो इसको हम लोगों ने मान लिया थीटा, तो थीटा बराबर आ गया ये, तो कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा हो गया 1/3, कॉस थीटा हो गया 1/3, तो साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा आ जाएगा 2√2/3। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो है 2√2/3, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या था कि हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, घर पे सॉल्व कर लेना। टेन ऑफ कॉस इनवर्स 1/4, इसको आप लोग घर पे सॉल्व कर लेना, और मुझे इसके आंसर जो है कमेंट तो मत करो यार, ठीक है, कमेंट तो मत करो, मैच कर लेना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका सॉल्यूशन जो है वो वीडियो के एंड में मैं बता देता हूँ, मतलब इसका आंसर जो है वो वीडियो के एंड में, या फिर टाइम लैप्स के हिसाब से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो टेन ऑफ कॉस इनवर्स 1/4। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन तो चिंदी है जो आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने थोड़ा हाई लेवल आपको बता दिया उल्टा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है? कॉस ऑफ 10 inverse a + 10 inverse b, मतलब 10 inverse a + b, मतलब 1/3 + 1/2, और नीचे 1 - a × b, तो ये आ गया कॉस ऑफ 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 5/6, और नीचे हो जाएगा 1 - 1/6, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के जब ऐड करोगे तो 5/6 हो जाएगा,
तो ये हो गया cos ऑफ tan इनवर्स 5/6 और नीचे आ गया 5/6, तो ये कट कुट के आ गया 1, तो cos ऑफ tan इनवर्स 1 क्या हो गया π/4, तो cos ऑफ π/4 हो गया 1/√2, तो 18वें का आंसर आ गया 1/√2, दैट इज ऑप्शन ए, तो 18वें का हो गया ऑप्शन ए। ओके 19वां क्वेश्चन बोला है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा बराबर tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा, जनरल सॉल्यूशन बताओ इसका। तो यार सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत भारी है, ये है वो है ब्ला ब्ला है, ठीक है, तो भारी क्वेश्चन नहीं है यार, बस आप लोगों को जो एक चीज़ बताई थी मैंने वो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये था ना, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये था। चलिए 19वां कर लेते हैं। 19वें में बोल रहा है कि भैया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा की वैल्यू जीरो दी होती तो हम लोग इंटीग्रेशन में जैसे किए थे ना, tan 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, मतलब बेसिकली ऐसा मैनेज करके किए थे ना कि tan थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें फॉर्मूला लगा दो a प्लस b का, ठीक है, सो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b के मेथड से जैसे हम लोग किए थे, सो वैसे ही इसको भी कर सकते थे अगर वैसा कुछ शॉर्ट होता तो, बट यहाँ पे दोनों साइड है, ठीक है। हाँ एक चीज कर सकते हैं कि इसको अगर आप लोग रिप्लेस कर दो, इसको अगर आप लोग रिप्लेस कर दो किससे, tan 2 थीटा और tan 3 थीटा से, ठीक है, तो वो आ जाएगा 2 tan 2 थीटा प्लस 2 tan थीटा, क्योंकि tan 3 थीटा नेगेटिव में आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि tan थीटा प्लस 2 थीटा का जब फॉर्मूला लगाओगे, ओके, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन चुका है tan 3 थीटा, इस tan 3 थीटा का जब 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो सिर्फ आएगा tan 3 थीटा, और इससे मल्टीप्लीकेशन आएगा तो tan 3 थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, ठीक है, और इस साइड क्या है, इस साइड है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, तो इस tan 3 थीटा tan थीटा और tan 2 थीटा को उस साइड भेजो और इसको इस साइड भेजो, सो देयरफॉर tan 3 थीटा इज इक्वल माइनस tan थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू आ गया tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan 2 थीटा, और यहाँ पे है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा, ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस tan थीटा यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा, और tan 2 थीटा यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 2 tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब tan थीटा प्लस tan 2 थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। अब tan थीटा बराबर tan अल्फा करके इसमें फॉर्मूला आप लोग नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि tan थीटा को जब वहाँ भेजोगे तो वो आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको रफ कर दूँ, अच्छा नहीं करूँ, देखो tan थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 2 tan थीटा, ठीक है, और अगर इसको माइनस tan 2 थीटा को मुझे रिप्रेजेंट करना है tan के टर्म में तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, सो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा क्या है, पाई माइनस 2 थीटा, सो 3 थीटा बराबर n पाई प्लस पाई आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 आ रही है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है, तो ये मेथड से हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, अगर ऑप्शन में होता तो करेक्ट था। तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप लोग इसको साइन कॉस में बदल दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, सो देयरफॉर फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, जो कि होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस 2 थीटा आ गया जीरो, तो साइन 3 थीटा बराबर जीरो आ रहा है, इसका मतलब टाइप 1 से जो 3 थीटा की वैल्यू है वो एन पाई के इक्वल हो जाएगी, तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई बाय 3, तो एन पाई बाय 3 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, एन पाई बाय 6 है, तो कैसे चेक करने का कि आंसर सही है या आंसर गलत है, क्या करने का, इसमें वैल्यू डाल देने का, tan पाई बाय 3 की वैल्यू हो जाएगी tan 60, मतलब ये हो जाएगा रूट 3, tan 2 पाई बाय 3 मतलब tan, ये जो n के बगल में ये जो अल्फा है मतलब पाई बाय 3 जो है वो इसमें डाल दो, सॉल्व कर रहा है तो फिर सही है, नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ गलती हुई है, अब मुझे लग रहा है कुछ गलती हुई है क्योंकि शायद टेक्स्ट बुक में 19वां क्वेश्चन गलत नहीं है। tan 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी, tan पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब माइनस tan पाई बाय 3, तो ये माइनस रूट 3,
अब टेन थ्री थीटा मतलब टेन थ्री इंटू पाई बाई थ्री, तो थ्री थ्री कैंसिल, टेन पाई बचा, वो तो जीरो हो गया, तो इधर पूरा जीरो हो गया, और इधर इधर भी रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री इंटू जीरो हो गया, तो ये तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो देखो एन पाई बाई थ्री भी आपका करेक्ट है, और पिछला जो आंसर आ रहा था क्या आ रहा था, पिछला आंसर थीटा बराबर एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये भी आपका आंसर करेक्ट ही था फिर, ठीक है। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है, बट टेक्स्ट बुक का आंसर नहीं आ रहा है। ओके, तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ये आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे, बट टेक्स्ट बुक के आंसर के लिए हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। इसके देखो एक्चुअली तीन सॉल्यूशंस होंगे, दो सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक सॉल्यूशन बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब इसको ओपन करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा ना, टेन थ्री थीटा क्यूबिक है, टेन टू थीटा स्क्वायर है, और टेन थीटा है, तो इसके बहुत सारे रूट्स पॉसिबल है, तो एक ही वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगी, बहुत वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ओके, सो टेक्स्ट बुक के आंसर के लिए हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करके ट्राई कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा प्लस साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा। पिछले जो आंसर थे वो भी करेक्ट थे, लेकिन हमें टेक्स्ट बुक से बेसिकली मैच करना है, तो हम लोगों को यहाँ पे ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों टर्म को LHS में लेकर जाओ, सो देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा कॉस टू थीटा और कॉस थ्री थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। अब इन तीनों टर्म को LHS में लेकर जाओ तो ये आ गया कॉस थीटा कॉस टू थीटा और कॉस थ्री थीटा, ठीक है। फिर प्लस इसको फिर से LHS में लेकर जाओ तो ये हो गया साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस थ्री थीटा, और देखो यहाँ RHS में बचा है साइन थीटा साइन टू थीटा और साइन थ्री थीटा, ठीक है। ये देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, सो देयरफॉर यहाँ आ गया साइन थीटा कॉस टू थीटा कॉस थ्री थीटा प्लस ये आ गया साइन टू थीटा कॉस थीटा कॉस थ्री थीटा और ये आ गया साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू आ रहा है साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग कॉस थ्री थीटा ले लेंगे कॉमन, क्यों? क्योंकि कॉस थ्री थीटा अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर साइन थ्री थीटा बन रहा है। देखो कॉस थ्री थीटा अगर मैं बाहर लेता हूँ तो अंदर देखो यहाँ से कॉस थ्री थीटा बाहर गया तो अंदर बचा साइन थीटा कॉस टू थीटा, और यहाँ से कॉस थ्री थीटा बाहर गया तो अंदर बचा साइन टू थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको यहाँ लेकर आ जाओ, यहाँ लेकर आ जाओ और साइन थ्री थीटा कॉमन ले लो। अगर साइन थ्री थीटा कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा कॉस थीटा कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थ्री थीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये आ गया थीटा प्लस टू थीटा प्लस बाहर है साइन थ्री थीटा अंदर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस थीटा प्लस टू थीटा और इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये पूरा का पूरा हम लोग माइनस करके इस साइड लेकर आए। तो ये हो गया कॉस थ्री थीटा, ये हो गया साइन थ्री थीटा और ये हो गया साइन थ्री थीटा और ये हो गया कॉस थ्री थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, तो बेसिकली ये पूरा हो गया टू साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा बराबर जीरो, राइट। तो टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन टू ए, तो बेसिकली हो गया साइन सिक्स थीटा बराबर जीरो, और टाइप वन से अगर साइन थीटा जीरो के इक्वल है तो थीटा इक्वल टू होता है एन पाई के, तो सिक्स थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाय सिक्स। रिपीट कर लेना एक बार अगर कोई स्टेप नहीं समझाए तो, वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के आंसर के लिए हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, बाकी कभी आप लोगों को अगर पिछले आंसर्स दिए हो जो हमने पहले निकाले तो आप लोग वो वाले फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली तीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो 19th का है ऑप्शन बी, बढ़िया क्वेश्चन था यार ये, ठीक है। क्रिएटिविटी को जगाने के लिए मुझे भी बहुत सोचना पड़ा कि यार कैसे क्या होगा, ठीक है। चलो 20वां क्वेश्चन तो चिंदी है यार, 20वें क्वेश्चन में प्रोजेक्शन रूल लगाओ गेम ओवर है, चलो देख लेते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 20th कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th जाना पहचाना नहीं लग रहा है, पूछ रहा हूँ बता नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 जाना पहचाना नहीं लग रहा है, अब सही पूछा ना। तो ये हो गया ए कॉस बी बराबर बी साइन ए, ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है यार, ठीक है। और हमें पता भी आंसर क्या आएगा, ए की जगह लिख दो के साइन ए कॉस बी
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा बी की जगह लिख दो के साइन बी, साइन रूल से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कॉस ए, के से के कट गया, इसको यहाँ लेकर आ जाओ तो साइन ए कॉस बी जो है वो माइनस साइन बी कॉस ए आ जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, तो इसका मतलब साइन ए माइनस बी की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब ए माइनस बी जो एंगल है ये या तो जीरो है या तो पाई है या तो टू पाई है, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से देखो ये बराबर बी आ गया। और अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो वो हो जाता है आइसोसेलस ट्राइंगल, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, राइट। और अगर पाई होगा टू पाई होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के सारे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ही पाई होता है, तो ए माइनस बी पाई टू पाई थ्री पाई कहाँ से हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही केस लेना है ए माइनस बी बराबर पाई वाला जिसमें ए बराबर बी आ जाएगा, सॉरी ए माइनस बी बराबर जीरो वाला जिसमें ए बराबर बी आ जाएगा, और दो एंगल इक्वल मतलब आइसोसेलस ट्राइंगल, दो एंगल इक्वल है तो उसकी साइड भी इक्वल होनी ही है, ठीक है, अगर दो एंगल इक्वल है तो उसकी साइड भी इक्वल होनी ही है, तो आप लोग अगर दो साइड इक्वल है तो भी उसको आइसोसेलस ट्राइंगल बोल सकते हो, एंगल इक्वल है तो भी, तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलस ट्राइंगल। आइए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद नो सॉल्यूशन वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर जनरल सॉल्यूशन, फिर एक प्रूफ दैट कर लेते हैं और फिर लेते हैं छुट्टी। चलिए तो ओके सॉल्विंग कर लेते हैं, तो नॉन एमसीक्यूज मैंने बोला था पांच क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर वन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और यही दूसरा क्वेश्चन भी है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यही दूसरा क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना, साइन टू थीटा बराबर माइनस वन बाय टू, साइन टू थीटा बराबर माइनस वन बाय टू, ओके, तो इसका मतलब साइन टू थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन टू थीटा की वैल्यू हो गई माइनस साइन पाई बाय सिक्स, ओके। तो ये हम लोगों का साइन थीटा का जो प्रिंसिपल इंटरवल है, मतलब अगर थीटा आंसर होता तो उसके लिए हमारा आंसर आता जीरो से टू पाई, बट यहाँ पे देखो टू थीटा है, तो टू थीटा के लिए जो इंटरवल होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वो जीरो से फोर पाई हो जाएगा, अच्छा थ्री थीटा होता तो जीरो से सिक्स पाई हो जाता, तो बेसिकली अगर अब इंटरवल जीरो से फोर पाई हो गया तो इसका मतलब ग्राफ में हम लोग एक चक्कर काटते हैं जीरो से टू पाई होता है, एक और चक्कर काटेंगे तब जीरो से फोर पाई होगा, ठीक है। अब साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तीसरे क्वाड्रेंट में और एक चौथे क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा एक यहाँ पर नेगेटिव होगा एक यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो देखो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, मतलब चार सॉल्यूशंस आने वाले हैं साइन थीटा के। अब वो कैसे आएंगे, सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशन निकालते हैं जीरो से टू पाई वाला, मतलब पहले चक्कर वाला, ठीक है, ठीक है। सो टू थीटा बराबर एक सॉल्यूशन तो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, पाई प्लस पाई बाय सिक्स, और एक सॉल्यूशन आ जाएगा चौथे क्वाड्रेंट का, चौथे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स, सो देयरफॉर थीटा आ जाएगा देखो सिक्स पाई प्लस पाई सेवन पाई बाय सिक्स, और ये जो टू था ये नीचे गया तो टू इंटू सिक्स, और ये आ जाएगा देखो टू इंटू ये इलेवन पाई बाय सिक्स, और ये टू जो था वो नीचे गया, सो देयरफॉर थीटा बराबर आ जाएगा सेवन पाई बाय ट्वेल्व, और यहाँ पर थीटा आ जाएगा इलेवन पाई बाय ट्वेल्व, ठीक है। अब ये दो सॉल्यूशन तो आ गए, अब दूसरे चक्कर में घुसते हैं, देखो सबसे पहले चक्कर का फॉर्मूला क्या है, थीटा थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा और टू पाई माइनस थीटा, ये पहले चक्कर का फॉर्मूला है। अब दूसरे चक्कर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो दूसरे चक्कर का फॉर्मूला इधर होगा टू पाई प्लस थीटा, इधर होगा थ्री पाई माइनस थीटा, इधर होगा थ्री पाई प्लस थीटा, और इधर होगा फोर पाई माइनस थीटा, समझ रहे हो ना फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूँ मैं, बेसिकली जब दूसरे चक्कर में हम लोग घुसे तो ये 360 है, ये 360 बन गया आप 2 पाई ना, और ये बन गया 450, और ये बन गया 540, तो 540 मतलब 3 पाई, तो जहाँ 180 माइनस थीटा होता था 540 माइनस थीटा होगा मतलब 3 पाई माइनस थीटा, अब यहाँ 3 पाई माइनस थीटा तो यहाँ 3 पाई प्लस थीटा, अब यहाँ आएंगे तो ये 720 बन जाएगा, 720 मतलब 4 पाई, तो बेसिकली ये 4 पाई माइनस थीटा, और एक चक्कर काट दें तो चलो एक और चक्कर काट देते हैं क्योंकि 103 थीटा भी है, एक और चक्कर काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई प्लस थीटा, ये आ जाएगा 5 पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा 5 पाई प्लस थीटा, और ये हो जाएगा 6 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें 2 थीटा तक ही जाना है, तो दूसरे चक्कर तक ही हमें जाना है, तो दूसरा चक्कर क्या है, दूसरे चक्कर के हिसाब से 2 थीटा की वैल्यू जो है वो एक तो 3 पाई प्लस थीटा होगी मतलब 3 पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है, और एक तो 4 पाई माइनस पाई बाय 6 होगी, राइट। सो यहाँ पे आ गया 2 थीटा बराबर 6 3 18 प्लस 19 पाई बाय 6, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 19 पाई बाय 12, और यहाँ पर देखो 4 6 24 माइनस 1 23 पाई बाय 6, मतलब एक थीटा की वैल्यू आ गई 23 पाई बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के चार वैल्यूज़ क्या क्या हो गए,
7 पाई बाय 12, 11 पाई बाय 12, 19 पाई बाय 12, 23 पाई बाय 12, तो चार आंसर्स आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है tan 3 थीटा बराबर माइनस 1, तो tan 3 थीटा बराबर माइनस 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 थीटा आ गया, और 3 थीटा आ गया तो यहाँ पे कितने चक्कर? 3 चक्कर, जितना थीटा उतने चक्कर, और जितने चक्कर उतने फॉर्मूले चाहिए, तो इस चक्कर को बना के यहाँ पे क्या क्या आंसर आता है वो भी लिख लो, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। सो अगर थीटा 0 से 2 पाई बिलोंग करता है तो 3 थीटा बिलोंग करेगा 0 से 6 पाई, तो tan 3 थीटा बराबर माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब tan 3 थीटा जो है वो माइनस tan पाई बाय 4 के इक्वल है। सो बाय अल्लीड एंगल फार्मूला लगा दो, अल्लीड एंगल, ठीक है, अल्लीड एंगल फार्मूला हो गया। पहले हम लोग पहले चक्कर के लिए लगाते हैं, तो tan नेगेटिव कब कब होता है? सेकंड और फोर्थ में, तो इसका मतलब 3 थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है? पाई माइनस पाई बाय 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है? 2 पाई माइनस पाई बाय 4। सो 3 थीटा की एक वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 4, जो कि नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, और एक वैल्यू आ गई 3 थीटा की 4 टू जे 8 माइनस 1 9 पाई बाय 4, तो एक थीटा तो हो गया पाई बाय 4 और एक थीटा हो गया 3 पाई बाय 4, दो आंसर्स आ गए। अभी चार और आंसर्स आने हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे चक्कर में, ये हो गया पहले चक्कर का, मतलब कहाँ का, ये हो गया 0 से लेके 2 पाई तक का। अब निकालते हैं 0 से लेके 4 पाई तक का, या 2 पाई से लेके 4 पाई तक का, तो 2 पाई से लेके 4 पाई तक का सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 3 पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस थीटा क्या है? पाई बाय 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट का 4 पाई माइनस थीटा, इसका मतलब 3 थीटा इक्वल टू 4 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ गया 3 थीटा इज इक्वल्स टू 11 पाई बाय 4, तो थीटा आ गया 11 पाई बाय 12, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर 4 4 या 16 माइनस 1 15 पाई बाय 4, ये हो गया 3 थीटा, तो ये आ गया 5 पाई बाय 4, तो ये आ गया थीटा का दो वैल्यू। ये कहाँ से कहाँ के लिए? ये 2 पाई से, या फिर यूँ बोल सकते हो 0 से 4 पाई के बीच में, ठीक है, क्योंकि 0 से 4 पाई के बीच में दिख रहा है ये। अब तीसरे चक्कर में बढ़ते हैं, तो तीसरा चक्कर क्या है हमारा? तीसरा चक्कर है हमारा 5 पाई माइनस थीटा और 6 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो 5 पाई माइनस थीटा मतलब 3 थीटा बराबर 5 पाई माइनस पाई बाय 4, और 6 थीटा सॉरी 3 थीटा बराबर 6 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। सो 3 थीटा बराबर आ गया 19 पाई बाय 4, सो थीटा आ गया 19 पाई बाय 12, और इधर थीटा आ गया 23 पाई बाय 12। तो बेसिकली ये 6 सॉल्यूशंस हो गए इसके, ठीक है। और आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो सारे सॉल्यूशन 0 से 2 पाई को ही बिलोंग करते हैं, ये भी 0 से 2 पाई बिलोंग करता है, ये भी 0 से 2 पाई बिलोंग करता है, ये भी 0 से 2 पाई बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि हमने थीटा निकाला है, तो थीटा तो हमारा 0 से 2 पाई ही बिलोंग करेगा, थीटा तो हमारा 0 से 2 पाई ही बिलोंग करेगा। 3 थीटा था जो 0 से 6 पाई बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो एंड में आप लोग देखोगे तो 0 से 2 पाई के ही बीच में आंसर्स आएंगे। अच्छा, फिलहाल हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि भैया अगर 3 थीटा है तो 6 सॉल्यूशन आएंगे, 1 थीटा है तो 2 सॉल्यूशन, 2 थीटा है तो 4 सॉल्यूशन, अगर 4 थीटा है तो इतना बड़ा नहीं आएगा भाई, अगर आ भी गया तो 8 सॉल्यूशन। और वो कैसे निकालोगे? चक्कर बनाते जाओगे। फिलहाल 3 चक्कर अपने बुक में नोट डाउन कर लो, इसको याद कर लो। नेक्स्ट है कॉट थीटा बराबर 0, कॉट थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब टेन थीटा नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब पाई बाय 2 है, और इसका सॉल्यूशन तो यार टेक्स्ट बुक में लिखाया था यार, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, खत्म, क्योंकि पाई पर 0 हो जाता है, 0 पर 0 हो जाता है, और 2 पाई पर 0 हो जाता है। देखो, हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 या नॉट डिफाइंड एक्सिस पर होता है, और एक्सिस की वैल्यूज होती है पाई बाय 2, 0, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, ये एक्सिस के एंगल्स हो गए। तो बेसिकली 0 पे तो 0 हो जाता है, पाई पे 0 हो जाता है, और 2 पाई पर 0 हो जाता है, तो जो बचा वहाँ पे नॉट डिफाइंड ये बचा था, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही कॉस का, कॉस पाई बाय 2 पर 0 हो जाता है, 3 पाई बाय 2 पर 0 हो जाता है, राइट, तो बचा क्या? 0, तो 0 पे 1 हो जाएगा और पाई पर माइनस 1 हो जाएगा। कॉस नॉट डिफाइंड होता है क्या? पगला गए हो, कॉस थोड़ी नॉट डिफाइंड होता है कभी। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ओके, तो यार ये 4 3 जा 12 था, तो ये 12 लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 तो यार 5 थीटा तक गया है भाई, 5 थीटा के सच में यहाँ पे 10 सॉल्यूशन दिए क्या भाई साहब? 5 थीटा के यहाँ पे 10 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, हमें निकालने पड़ेंगे यार, दिक्कत ये है, राइट, सो वी हैव टू फाइंड इट। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। चलो तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, tan 5 थीटा तक दिया है मेरे भाई, ये चक्कर मिटाओ, अब इस चक्कर में मत पड़ो।
अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम करेगा, ठीक है। खैर फाइव थीटा नहीं आएगा एग्जाम में हमेशा एक थीटा तक ही इनफ है। एग्जाम में आप लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, बस टू थीटा के चक्कर में उन लोग नहीं पढ़वाते आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन टू थीटा दिया है -1/√2। क्वेश्चन नंबर टू का हम लोग पहला कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू में भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही पता करना है। अब वहीं पर देखो, अगर जनरल सॉल्यूशन होता तो केस कितना आसान था। ये है -1/√2, तो साइन टू थीटा -1/√2 कब होता है? -sin π/4 पर। अब देखो यहाँ पे हमें दो चक्कर लगाना होगा, क्योंकि टू थीटा बिलोंग करता है 0 से 4π। माना थीटा का आंसर 0 से 2π के ही बीच में आएगा, बट टू थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके लिए तो हमें निकालना पड़ेगा ना दो चक्कर। तो दो चक्कर चलते हैं यहाँ पे। पहला चक्कर 0 से 2π, दूसरा चक्कर 0 से 4π। तो साइन थीटा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देखना है, तो साइन थीटा एक तो थर्ड में नेगेटिव, एक तो फोर्थ में नेगेटिव। तो देखो चार सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे कट करेगा वो सॉल्यूशन होगा। तो चार सॉल्यूशन आ रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के पहले चक्कर का फॉर्मूला क्या होता है? π + थीटा, मतलब π + π/4। और दूसरे चक्कर का फॉर्मूला क्या होता है? 2π - π/4। तो देयरफॉर 2θ बराबर आ गया 5π/4, सो थीटा की वैल्यू आ गई 5π/8। 2θ की वैल्यू आ गई 7π/4, तो थीटा की वैल्यू आ गई 7π/8, ठीक है। अब दूसरा चक्कर लगाओगे, तो यहाँ पे आएगा 3π + θ और यहाँ पे आएगा 4π - θ। तो दूसरे चक्कर में 2θ = आ जाएगा 3π + π/4 और 2θ = आ जाएगा 4π - π/4। सो 2θ आ जाएगा 13π/4, तो ये हो जाएगा 13π/8 और यहाँ पर ये आ जाएगा 15π/4, तो थीटा आ जाएगा 15π/8। तो ध्यान से देखो, जो थीटा है वो तो 0 से 2π के बीच में ही है, राइट। 2θ जो है वो 0 से 4π में चला गया है, ठीक है। तो ये हो गए चार सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर वन के। तो मैं ज़रा देख लेता हूँ, मार्जिन ऑफ एरर थोड़े ज़्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। 5, 7, 13, 15, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में है tan 5θ = -1। tan 5θ = -1, ठीक है। सो tan 5θ = -1, मतलब tan 5θ = -10π/4। पांच चक्कर बेसिकली हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि 5θ जो है वो बिलोंग करेगा 0 से 10π। तो बेसिकली आप लोगों को ना यार यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए ही दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मत एक्सपेक्ट करना, ठीक है। 2θ मैक्सिमम हो गया, वो भी शायद ना आए। फिलहाल फाइंड आउट करते हैं, पहला चक्कर लगाएंगे तो 5θ नेगेटिव कब होता है? 10, एक तो सेकंड में, एक तो फोर्थ में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के पहले चक्कर का फॉर्मूला है π - θ, फोर्थ का है 2π - θ। तो 5θ एक तो है π - θ, मतलब π - π/4, और दूसरा है 2π - θ, मतलब 2π - π/4। सो 5θ = आ गया 3π/4, तो थीटा आ गया 3π/20, ठीक है। और इधर थीटा आ गया 4 × 8 - 1 = 7π/20, ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा चक्कर लगाएंगे तो 5θ का फॉर्मूला हो जाएगा 3π - θ और यहाँ पर 4π - θ। सो 3π - θ मतलब 3π - π/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 11π/4, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 11π/20, ठीक है। और एक और फार्मूला है 4π - π/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 16π - π/4, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15π/20। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये थीटा जो है ये एपी में चल रहा है, ये 3, ये 7, ये 11, ये 15। तो आप लोग आगे के 10 आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? θ = पहला आया 3π/20, फिर आया 7π/20, फिर आया 11π/20। तो बेसिकली चार बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो मतलब अगला आएगा 15π/20, अगला आएगा 19π/20, अगला आएगा 23π/20। कब तक नहीं रुकना है? जब तक 10 ना हो जाए। अगला आएगा 27π/20, अगला आएगा 31π/20, फिर आएगा 35π/20, फिर आएगा 39π/20। अब तो हो ही जाना चाहिए था 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ओके। तो आप लोग ऐसा करके लिख सकते हो, सिमिलरली θ = this, कर सकते हो, ये एग्जाम में कर सकते हो, चलेगा, ठीक है।
तीन मार्क का आया तो कर सकते हो, दो मार्क का आया तो करना ही है, और चार मार्क का आया तो सॉल्व कर लेना, वैसे आएगा नहीं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, बहुत कम चांस रहता है, मतलब होता ही नहीं एक्चुअली, आएगा ही नहीं। ओके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे आंसर्स, तो ओके 3, 7, 11, 15, 19, 39 तक सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है कॉट 2 थीटा बराबर 0। अब कॉट 2 थीटा बराबर 0 है तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लो यार, देखो कॉट 2 थीटा अगर 0 है तो टेन 2 थीटा नॉट डिफाइंड होगा, और टेन 2 थीटा नॉट डिफाइंड है इसका मतलब टेन 2 थीटा इक्वल टू टेन पाई बाय 2 है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है, 3 पाई बाय 2 पर, और कहाँ कहाँ पर होगा, 5 पाई बाय 2 पर, और कहाँ कहाँ पर होगा, 7 पाई बाय 2 पर, क्योंकि ये 2 थीटा है तो ये बिलोंग करेगा 0 से 4 पाई तक, ठीक है, तो ये 0 से 4 पाई में आता है क्या, ये 2.5, ये 3.5, यस आता है, तो इसका मतलब 2 थीटा की एक वैल्यू हो गई पाई बाय 2, 2 थीटा की एक और वैल्यू हो गई 3 पाई बाय 2, 2 थीटा की एक और वैल्यू हो गई 5 पाई बाय 2, और 2 थीटा की एक और वैल्यू हो गई 7 पाई बाय 2, सो देयरफॉर थीटा की चार वैल्यूज हो गई, एक हो गया पाई बाय 4, दूसरा हो गया 3 पाई बाय 4, और एक हो गया 5 पाई बाय 4, और एक हो गया 7 पाई बाय 4, तो ये चार सॉल्यूशंस हो गए बेसिकली थीटा के, ठीक है, सिंपल क्लियर, आसान था यार, इसमें क्या ही भारी था, तो समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें आप लोगों को बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो कौन कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है वो आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए सॉल्व करते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2 थीटा बराबर 1/3, तो cos 2 थीटा में cos की वैल्यू 1/3 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, क्यों, क्योंकि cos तो बिलोंग करता है -1 से 1 को, तो -1 से 1 के बीच में आता है 1/3, यस आता है, तो इट हैज सॉल्यूशन, 2 थीटा से फर्क नहीं करता पड़ता, यहाँ पे कुछ भी रहने दो, रेंज देखो हमेशा, रेंज उसकी रेंज से मैच हो रही है क्या, मतलब RHS इसकी रेंज से मैच हो रहा है क्या, वो देखो, अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसका मतलब cos थीटा जो है वो आयोटा हो जाएगा, मतलब रूट ऑफ -1 हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली ये तो इसके अंदर आता नहीं है, तो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है, cos थीटा आयोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 2 sin थीटा बराबर 3 है, तो sin थीटा बराबर 1.5 हो गया, बट sin की रेंज तो -1 से 1 के बीच में है, सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, फर्दर 3 sin थीटा बराबर 5 है, तो sin थीटा बराबर 5/3 आ जाएगा, बट sin थीटा की रेंज तो -1 से 1 ही है, सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, रेंज में नहीं आता ना 5/3, तो 5/3 तो 1.666666 हो गया, और 1.666 इससे बाहर चला गया, तो बेसिकली इट हैज़ नो सॉल्यूशन। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें निकालने हैं जनरल सॉल्यूशंस, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बेहद सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4, क्यों, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना, हार्ड क्या होता है, हार्ड तो एक्चुअली कुछ नहीं है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आसान है अगर लॉजिक लगा सको, और जनरल सॉल्यूशन भी आसान है अगर दिमाग लगा सको, लॉजिक और दिमाग में, दिमाग मतलब रट्टा मार सको, और लॉजिक मतलब कि रीजनिंग सही हो तुम्हारी, ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज ऑल अबाउट थिंकिंग, कितना अच्छा थिंकिंग तुम करते हो, तो जितना अच्छा दिमाग लगाओगे उतना अच्छा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, कन्फ्यूज कर रहा हूँ ना, चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या है, tan थीटा बराबर -√3, तो बेसिकली tan थीटा इक्वल टू हो गया -10 पाई बाय 3, क्योंकि tan रूट 3 कब होता है, पाई बाय 3 पर, अब देखो हमें माइनस वाला वैल्यू लेना है, तो कौन से क्वाड्रेंट का लेंगे, मैंने बोला करीबेस्ट वैल्यू लो, जो सबसे करीब हो वो वाली वैल्यू लो, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पर नेगेटिव होता है वो सबसे ज़्यादा करीब है, फोर्थ तो बहुत दूर हो गया, तो हमें करीबेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, पाई माइनस पाई बाय 3, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया tan पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये आ गया tan 2 पाई बाय 3, ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज का वीडियो देखा तो ये सब आपके लिए कुछ भी नहीं है, tan थीटा बराबर tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर √3 का स्क्वायर, और tan स्क्वायर थीटा √3 कब होता है, tan पाई बाय 3 पर, और ये है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, ओके, फर्दर sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1, ओके, तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं पहले चौथा क्वेश्चन कर देता हूँ, चौथा क्वेश्चन आसान लग रहा है क्या, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया cos 2 थीटा, ये माइनस वहाँ जाएगा तो माइनस 1, तो देयरफॉर cos 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस cos 0 के, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा,
ठीक है, और कॉस माइनस वन कब होता है, पाई पर होता है, ठीक है, तो बेसिकली अल्फा की जगह आ जाएगा पाई। अरे नहीं समझे यार, वन तो जीरो पर होता है लेकिन माइनस वन कब होता है, पाई पर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो ये पाई आ गया, कॉस पाई आ गया, तो कॉस पाई हो गया हमारा अल्फा, ठीक है, पाई हो गया हमारा अल्फा। सो थीटा बराबर आ गया एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। थर्ड बच रहा था, थर्ड देख लो, थर्ड है साइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वन। तो बेसिकली मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर दो, तो इनका कोएफिशिएंट क्या है, वन वन, वन वन के स्क्वायर का सम कितना आता है टू, टू का रूट क्या होता है रूट टू, तो रूट टू से डिवाइड कर दो हर एक टर्म को, तो रूट टू से बेसिकली हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया, तो वन बाय रूट टू होता है साइन पाई बाय फोर, ठीक है, या तो अब की बार वो वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी वाला, तो साइन थीटा ऐसे ही रहने दो, वन बाय रूट टू कॉस कब होता है, कॉस पाई बाय फोर पर, तुम्हारी मर्जी है, तुम साइन पाई बाय फोर लिख के कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, माइनस, ठीक है, माइनस वन बाय रूट टू कब होता है, साइन पाई बाय फोर पर, और ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है, कॉस वाला ही लगा लो, कॉस वाला ही फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि कॉस वाला ही सीखा है तुमने, अरे आता है मेरे को, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, ठीक है, वन बाय रूट टू कॉस कब होता है, सॉरी साइन कब होता है, साइन पाई बाय फोर पर, तो ये हो गया साइन पाई बाय फोर साइन थीटा माइनस कॉस पाई बाय फोर कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू। अब देखो यहाँ से माइनस बाहर खींच लो, तो जैसे ही माइनस बाहर जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये फार्मूला मिल रहा है, किससे मिल रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, मतलब थीटा माइनस पाई बाय फोर। अब ये माइनस यहाँ भेज दो, तो ये हो गया माइनस वन बाय रूट टू, सो देयर फोर कॉस थीटा माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई बाय फोर हो गया, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, माइनस कॉस पाई बाय फोर को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर, माइनस कॉस पाई बाय फोर मतलब कॉस कब नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में एक तो थर्ड में, कौन सा लेंगे करीबेस्ट वैल्यू, मतलब सेकंड, तो सेकंड का फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर मतलब कॉस थ्री पाई बाय फोर, तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का फॉर्मूला हो गया थीटा माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस थ्री पाई बाय फोर। तो देखो थीटा बराबर आ जाएगा टू एन पाई प्लस माइनस थ्री पाई बाय फोर और प्लस पाई बाय फोर, तो आप लोग इसको प्लस साइन के साथ अलग से सॉल्व कर लेना और माइनस साइन के साथ अलग से सॉल्व कर लेना, ठीक है, ओके, और यहाँ पे देखो ये टू पाई बाय थ्री था तो यहाँ टू लगा देना, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन करके छुट्टी लेते हैं और छुट्टी देते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में आप लोगों को बोला है कॉस ए माइनस बी बाय टू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय सी इंटू साइन सी बाय टू। तो बेसिकली ये आप लोगों को पता ही होगा यार कि कॉस ए माइनस बी बाय टू में तो हम लोग कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते। कॉस ए माइनस बी होता तब भले सोच सकते थे कि भैया ए माइनस बी का फार्मूला लगा के, मतलब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा के ओपन करो और फिर कोसाइन रूल और साइन रूल लगा दो, लेकिन फिलहाल नीचे टू है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आर एच एस में देखो ए प्लस बी बाय सी है, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, तो आर एच एस उठा लो, आर एच एस उठा लो, आर एच एस क्या है ए प्लस बी बाय सी इंटू साइन सी बाय टू, ठीक है, तो सिंस बाय साइन रूल ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है के साइन ए और बी की वैल्यू है के साइन बी और सी की वैल्यू है के साइन सी, ठीक है, साइन रूल के हिसाब से आप लोग जानते ही हो, एक्सरसाइज में इतना हम लोगों ने बहुत किया है, तो ए की जगह आ गया के साइन ए, बी की जगह आ गया के साइन बी और सी की जगह आ गया के साइन सी, ठीक है, और यहाँ पे है साइन सी बाय टू, के कट गया तो ये आ गया साइन ए प्लस साइन बी और नीचे है साइन सी बाय साइन सी, ठीक है, साइन सी है और यहाँ पे है साइन सी बाय टू, तो यहाँ पे साइन सी बाय टू दिख रहा है, यहाँ पे साइन सी दिख रहा है, मतलब कभी ना कभी आपको लगाना पड़ेगा साइन थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, ओके, तो कभी ना कभी तो हमें वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए छोड़ दो। ऊपर देखो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लग रहा है, तो टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू, तो देखो कॉस ए माइनस बी बाय टू आ गया जो हमें चाहिए, तो बेसिकली इसे ऐसा ही रहने देना, इसे चेंज करना होगा हमें, और यहाँ पे है साइन सी बाय टू और इसके नीचे है साइन सी, साइन सी को लिख दो टू साइन सी बाय टू इंटू कॉस सी बाय टू। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा कि सिंस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, और नीचे
नीचे लिखना होगा साइन एक्स बराबर टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, या फिर थीटा लिख दो एक्स की जगह पे, बट लिखना है। तो ये कहीं कहीं पर मैं ना लिखूँ तो नाराज मत हुआ करो, तुम खुद से लिखो ये सब। इतनी समझ तुम्हें होनी चाहिए कि भैया कहाँ पे क्या करना है, ठीक है? ओके, तो ये टू से ये टू कैंसिल, साइन सी बाई टू से साइन सी बाई टू कैंसिल, और साइन ए प्लस बी बाई टू को हम लोग कॉस सी बाई टू लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो एक बार फिर से बता देता हूँ, बट बार बार नहीं बताऊँगा। देखो, क्योंकि ट्राइंगल की बात हो रही है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, तो इसका मतलब बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो पाई माइनस ए है, सॉरी ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो है पाई माइनस सी। तो ए प्लस बी की जगह हम लोग यहाँ पे पाई माइनस सी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया साइन पाई माइनस सी बाय टू, और बाई टू को मैं दोनों को अलग अलग दे देता हूँ, और यहाँ पे है कॉस ए माइनस बी बाय टू, और इसके नीचे है कॉस सी बाय टू, राइट? देख लो जरा, सही? ओके, तो साइन पाई बाय टू माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस सी बाय टू, और ये हो गया कॉस ए माइनस बी बाय टू, और नीचे है कॉस सी बाय टू, और कॉस सी बाय टू साफ कर दो तो ये आ गया कॉस ए माइनस बी बाय टू, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एलएचएस के, तो हम लोगों का एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, ठीक है? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, समझ में आ गया? तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक जो भी है इधर उधर वो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया है विथ एमसीक्यू नॉन एमसीक्यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो 6 से लेकर 20 23 देखेंगे कहाँ तक कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।